गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 9 सोशल साइंस की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 15 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है वो भी बेटा बहुत ही ईजी वर्कशीट है। लास्ट वर्कशीट में हमने जिस तरह इंडिया के बारे में पढ़ा था कि इंडिया कितने लैटिट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड में प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी क्या पोजीशन है और किस तरह से टाइम का इंडिया में वेरिएशन है, ठीक है, वो सब हम लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अब उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अपने इंडिया के बारे में कुछ और भी जानेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो लेट स्टार्ट। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया कैसा कंट्री है? इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत विशाल देश है इंडिया। इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये क्या है, इंडिया जो है वो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं टोटल, 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सबको मिला के क्या बना है, इंडिया, ठीक है। यानी बहुत जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का यूनियन है इंडिया। एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ द कंट्री इज़ डिवाइडेड इन टू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। सो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ का मतलब क्या है बच्चों, कि देखिए एक गवर्नमेंट जो है पूरे इंडिया को नहीं संभाल सकती, ठीक है, इसीलिए जो इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण इंडिया को किस में बांटा गया, इंडिया को अलग अलग 28 स्टेट्स में बांटा गया ताकि हर एक एरिया में डेवलपमेंट की जा सके, ठीक है। सो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में इंडिया को बांट दिया गया। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जो स्टेट्स बांटे गए हैं वो मेनली लैंग्वेज के बेस पे बांटे गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लाइक अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे लैंग्वेज क्या है, पंजाबी है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ की लैंग्वेज जो है बंगाली है। इसी तरह राजस्थान है तो उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी लैंग्वेज जो है वो राजस्थानी है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इनको डिवाइड किया गया है। नाउ तेलंगाना बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 2 जून 2014। सो जो तेलंगाना है वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। इसी तरह बच्चों उत्तराखंड भी जो है वो क्या है, उत्तर प्रदेश से अलग किया गया है। झारखंड को बिहार से अलग किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से स्टेट्स जो है उनको जो है अलग अलग किया गया है, जो अभी आप कह सकते हो कि जो बाद में इनसे सेपरेट किए गए हैं। इट वॉज प्रीवियसली ए पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इंडिया की कैपिटल तो आप सब बच्चों को पता है, दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट। राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ एरिया सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, वो है गोवा। स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। जो स्टेट्स हैं वो किस में डिवाइड किए गए हैं बच्चों, स्टेट्स को जो है डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिलों में डिवाइड किया गया है आगे फर्दर। नाउ देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बॉर्डर बाउंड्रीज विद इंडिया। तो 7 कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ अपनी जो बाउंड्रीज हैं वो शेयर करती हैं। देखिए चाइना, पाकिस्तान है, ठीक है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, तो म्यांमार, ये क्या है, दीज आर द कंट्रीज विच शेयर देयर कैपिटल विद बॉर्डर्स विद इंडिया। नाउ अक्रॉस द सीज टू द साउथ लाई अवर आइलैंड नेबर श्रीलंका एंड मालदीव। सो श्रीलंका और मालदीव क्या हैं, दे आर ऑल्सो अवर आइलैंड नेबर्स। एंड श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। सो पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। सो दीज आर द मालदीव, ठीक है, एंड दिस वन इज श्रीलंका। सो देखिए ये जो है श्रीलंका को जो ये अलग कर रही है, दैट इज़ द पाक स्ट्रेट। तो ये क्या है, दिस इज़ द मालदीव, ओके। नाउ अब देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आप बहुत ही आसानी से इनको अब कर सकते हो। सो आइए इनका आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल बताइए, इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेम ऑल द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो है जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम आपको लिखने हैं, तो सभी नाम जो है यहाँ पर लिखे गए हैं, आप यहाँ से लिख लेंगे।
सो फर्स्ट क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखिए बेटा, आपको मैं पहले ये बात समझा दूँ, पहले जो है इंडिया की 7 यूनियन टेरिटरीज थी, ठीक है। उसके बाद 370 जो आर्टिकल है, 370 आर्टिकल, वो हटाने के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग से कर दिया गया, उनको यूटी बना दिया गया, तो 7 थी। उसके बाद क्या हुआ, 9 हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये पहले अलग अलग थे, इनको एक कर दिया गया, यानी अब कितनी हो गई, टोटल 8 हो गई, 28 स्टेट्स एंड 8 जो है क्या है, यूनियन टेरिटरीज। सो फर्स्ट क्या लिखेंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेकंड दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, नंबर 3 है चंडीगढ़, नंबर 4 लक्षद्वीप, नंबर 5 पुदुचेरी, नंबर 6 है दिल्ली, नंबर 7 लद्दाख एंड नंबर 8 है जम्मू एंड कश्मीर। तो 8 यूनियन टेरिटरीज आप लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रेफर टू द लेटेस्ट मैप ऑफ इंडिया, नेम एनी 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स। तो बेटा आपको क्या करना है, 5 स्टेट्स इंडिया के जो हैं उनकी कैपिटल उनके साथ लिखनी है। सो 28 स्टेट हैं, कोई भी 5 स्टेट आप लिख सकते हो। सो यहाँ पर मैंने जो लिखे हैं वो आपको बता रही हूँ, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ठीक है ये कैपिटल है। नेक्स्ट देखिए आसाम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर एंड गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आसाम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी। तो आप कोई भी 5 लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नेम द 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया विच शेयर अ कॉमन कैपिटल। कौन से ऐसे 2 स्टेट हैं जिनकी कैपिटल जो है वो कॉमन है, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़। तो पंजाब एंड हरियाणा 2 स्टेट हैं जिनकी जो कैपिटल है वो क्या है, कॉमन है, एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के बेस पे लार्जेस्ट स्टेट जो है इंडिया का क्या है, दैट इज़ राजस्थान। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया। सो कौन से जो है कंट्री है जो कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। ऑप्शन दिए गए हैं पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, म्यांमार। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द आंसर, मालदीव जो है इट डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच वाटरवेज सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। कौन सा वाटरवे इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है, दैट इज़ पाक स्ट्रीट, ठीक है, पाक स्ट्रीट सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको बेटा वर्कशीट क्लियर है, क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हैं एंड आई होप आपको वर्कशीट अच्छी भी लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।